यस सो गाइस मुझे पहले एक बात बताओ तुमने जो मैंने तुम्हें कहा था कि नॉन करंट के जो एग्जाम किट के स्पेसिफिक क्वेश्चन थे जो पार्ट तुमने करा, करना था उसके एग्जाम किट क्वेश्चन करें हाँ, सर, वाले कर, कर ले। अच्छा वेरी गुड डाउट बताओ किस किस जगह पे डाउट है no, sir, no ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सो so, हमने जो टॉपिक किया था अभी तक व्हाट बी डिड वाज हमने नॉन करंट एसेट में उसकी डेप्रिसिएशन पढ़ी थी डेशन के साथ हमने पढ़ा था नॉन करंट एसेट्स में डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन रि डिस्पोजल डिस्पोजल के क्या ट्रीटमेंट होते हैं कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं डिस्पोजल के अकाउंट ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है गाइस दैट इज इस चैप्टर में पार्ट एक्सचेंज ये सारा हम कर चुके हैं ये सारा हम कर चुके हैं गाइज इसमें हाँ नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट एक्सचेंज अलाउंस अब पार्ट एक्सचेंज गाइस का होता है ये एक तरह से जब हम कोई एसेट को सेल करते हैं ये बिल्कुल वही चीज है बट इट इज रिटर्न इन वे कैसे देखो पार्ट एक्सचेंज अलाउंस क्या होता है ध्यान से सुनना तुम्हारे पास लेट से एक मशीन थी ये तुम्हारी मशीन है ठीक है यह मशीन नहीं चलो इसको बेटर लिंक करने के लिए लिंकिंग विद कि तुम्हारे पास एक कार है उसकी वैल्यू जो थी तुम्हारी बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट अबाउट अमाउंट उसका जो कैरिंग अमाउंट था वो था टेन लाख तुम्हारे पास एक कार थी और कार का जो कैरिंग अमाउंट था दैट वाज टेन लाख अब हुआ ये कि तुमने सोचा कि मैं एक दूसरी कार परचेज करता हूं और मैं इस कार को एक्सचेंज कर लूंगा तो तुमने दूसरी कार परचेज करी लेट से यू परचेज कार ट्वेंटी फाइव लाख ट्वेंटी फाइव लाख की तुमने दूसरी कार परचेज करी और जब तुमने दूसरी कार परचेस करी जब तुम डीलर के पास गए तुमने डीलर को बोला कि मेरे पास जो ये कार रखी है इसका तू मुझे क्या प्राइस देगा डीलर ने लेट से बोला कि इस कार के मैं तुम्हारे को एट लाख दूंगा इस कार के मैं तुम्हारे को एट लाख दूंगा तुमने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं तो इस सिचुएशन में होगा क्या तुम्हारे पास जो कार थी कार की तुम्हारी बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट था वो था टेन लाख और उस डेट को या तो देखो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं हम इसको बेच के या तो कैश ले इसको बेच के या तो कैश ले या फिर उसको किसी दूसरे एसेट से एडजस्ट करा ले तो अल्टीमेटली इस कार का जो हमें प्राइस मिला वो मिला एट लाख तो पहली बार इस कार में हमारा लॉस हो गया लॉस ऑन एक्सचेंज हमारा हो गया टू लाख का लॉस ऑन एक्सचेंज टू लाख का हमारा हो गया यहाँ एक तो ये लॉस हो गया दूसरा हमारे यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा जब हम दूसरी कार परचेज करेंगे हमारी एंट्री क्या होगी डेबिट कार जैसे इसको मैं कार टू बोल देता हूं डेबिट कार टू मैंने ट्वेंटी फाइव लाख की या टू पॉइंट फाइव मिलियन की मैंने दूसरी कार परचेज की क्रेडिट मैंने पहली कार जो थी वो कितने में सेल करी एट लाख ,00 की तो क्रेडिट हो जाएगा कार वन एट लाख यानी इतने की मेरी कार सेल हुई तुम मुझे सोच के बताओ इस पूरी सिचुएशन में तुम्हें डीलर को कितना कैश देना है हाउ मच कैश यू नीड टू पे टू द डीलर बताओ सेवनटीन लैक्स सेवनटीन लैक्स आने आप 17 लाख 25 लाख ,00 की कार थी 8 लाख ,00 का तुम्हें तो बेनिफिट मिल गया तो क्रेडिट कर देंगे हम कैश हमारा 17 लाख दैट मींस 1.7 मिलियन ये हो जाएगा हमारा आंसर हमारी जर्नल एंट्री दिस वुड बी द जर्नल एंट्री ये होगी हमारी गाइस जर्नल एंट्री डेबिट नॉन करंट एसेट क्रेडिट नॉन करंट एसेट क्रेडिट कैश जितने का हमारे जो कार एक्सचेंज हुई है वो यहां पे प्राइस आ जाएगा और जितना हमने कैश पे करा अब इस सिचुएशन को हम अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे तो पहली बात अगर मैं बताऊं हमारा नॉन करंट एसिड ध्यान से देखना अगर मैं बताऊं नॉन करंट एसिड नॉन करंट एसिड में मेरा ये वाले की जो कॉस्ट है नॉन करंट एसिड अकाउंट में ये जो कार मैंने सेल करी है उसकी कॉस्ट यहां से डिस्पोजल में चली जाएगी डिस्पोजल में कॉस्ट चली जाएगी कार्बन की कार्बन की जो मेरी कॉस्ट थी वो डिस्पोजल में चलेगी दूसरा यहां पे आ कार टू जो मैंने परचेस की है वो मेरे यहां पे आ जाएगा कार टू की जगह यहां पे आएगा मेरा बैंक के सेवनटीन लाख का मेरा बैंक है और यहां पे आ जाएगा मेरा कार वन एट लाख कि मैंने नॉन करंट एसेट यानी दूसरी कार परचेज करी जिसके लिए इतना कैश दिया और इतने का मेरा जो एसेट था वो एडजस्ट हो गया जितने का एडजस्ट हो गया वो यहां पर आएगा क्योंकि तो हमने लास्ट क्लास में देखा था वेन वी एसेट देन द एंट्री इज डेबिट नॉन करंट एसेट क्रेडिट बैंक अब हम नॉन करंट एसेट जब हम परचेज कर रहे हैं तो कैश भी जा रहा है और दूसरी कार भी जा रही है तो ये दोनों चीजें देखिए हमें कार मिली है दिस वुड बी दी ट्रीटमेंट इन हमारा नॉन करंट एसेट डिस्पोजल में क्या ट्रीटमेंट होगा इसका डिस्पोजल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा डिस्पोजल में पहले हमारी यहां पे आ जाएगी इसकी कॉस्ट और इधर आ जाएगी अक्यूमुलेटिविशन जो एसेट हमारा एक्सचेंज हुआ है जो या सेल बात है उसके बाद हमारा कितने का हुआ ये जब सेल होता था तब हम यहाँ पे लिखते थे बैंक के इतने का सेल हो गया अब जब एक्सचेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कार, टू, के कार टू हमें मिली है और एट लाख जो है वो हमें इस कार की वैल्यू मिली एट लाख हमें इस कार की वैल्यू मिली है टू लाख का, का हमारा लॉस हो गया तो लॉस यहां पे आ जाएगा हमारा टू लाख दिस इज हाउ डिस्पोजल और ये होगी हमारी पार्ट एक्सचेंज की जर्नल एंट्री ये देखो समझो जो भी डाउट है गाइस इसमें मुझसे पूछो इन्होंने यहां पे क्या करा हुआ है यहां पे ना कार की जगह देव रिटर्न डिस्पोजल देव रिटर्न डिस्पोजल के डिस्पोजल से यहां पे आ गए। तो इसकी एंट्री क्या होगी कार कार्टू अकाउंट डेबिट क्रेडिट डिस्पोजल तो कार कारू में कार टू हमारा हो रहा है डेबिट तो कार टू में आ जाएगा डिस्पोजल यहाँ पे इसी एंट्री के हमारे दो ट्रीटमेंट है एंट्री क्या है कार कार्टू डेबिट क्रेडिट डिस्पोजल मैंने यहां पे कार वन लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिखूंगा डिस्पोजल सॉरी डिस्पोजल तो कार वन तो डिस्पोज ऑफ हो रही तो डिस्पोजल लिखूंगा तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा कार टू डिस्पोजल यानी नॉन करंट एसिड डेबिट क्रेडिट डिस्पोजल तो नॉन करंट एसिड मेरा डेबिट हो रहा है तो नॉन करंट एसिड में डेबिट साइड नाम क्या आएगा डिस्पोजल अमाउंट क्या आएगा एट लाख दिस विल बी योर एंट्री डेबिट कार्ड क्रेडिट डिस्पोजल क्रेडिट कैश इसको देखो समझो कोई भी डाउट है मुझसे पूछो जैसे ये क्लियर हो जाए एक्टिविटी नंबर एट क्वेश्चन करके मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग सर कार की वैल्यू में कार टू की वैल्यू नहीं आएगी डिस्पोजल की जगह पे ना यहाँ यहाँ पे तुम्हारा जिस कार वैल्यू नहीं आएगी यहाँ वो वैल्यू आएगी जो हमें इस एसेट को सेल करके मिले तो इस एसेट को एक्सचेंज करके हमें एट लाख मिले हैं दैट मीनस डिस्पोजल में कार टू में एट लाख एडजस्ट हो गए ओके सर सर और परचेजेस में हम कुछ शो नहीं करेंगे परचेज में मतलब

Robert से मुझे एक्टिविटी नंबर एट का आंसर तो क्या होगा सर लॉस लॉस ऑफ ओके आंसर है 2000. दोनों का आंसर लॉस ऑन डिस्पोजल टू थाउजेंड है एंड दिस आंसर इज करेक्ट लॉस ऑन डिस्पोजल इज टू थाउजेंड गुड तो दिस इज गाइस पार्ट एक्सचेंज अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रीवैल्यूएशन ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसके मैं नोट्स वगैरह बना के तुम्हें सारा बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीवैल्युएशन और ये बहुत ज्यादा तुम्हारा आगे एफ सेवन वगैरह में आएगा बहुत ज्यादा आएगा एफ सेवन में इनफैक्ट एफ सेवन में नॉट ओनली दिस चैप्टर और भी दूसरे चैप्टर्स में रीवैल्युएशन जो है वो बहुत ज्यादा यूज होगा तो रीवैल्युएशन जो कॉन्सेप्ट है उसको प्लीज दोनों बहुत अच्छे से समझना बहुत अच्छे से समझना इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देखेंगे कोशिश करना कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझो मैं भगाऊंगा नहीं मैं बिल्कुल स्लो चलूंगा लेकिन इस टॉपिक को हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझना है अब रीवैल्युएशन ऑफ नॉन करंट एसेट होता क्या है रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट इसका मतलब क्या होता है जो एफ थ्री के लिए हमारे लिए रेलिवेंट है देखो लेट से मेरे पास एक एसेट था आई हैड एसेट उसका मैंने अपना एक बुकिंग बनाया था कि दिस डेट को परचेज किया इस प्राइस पर मैंने परचेस किया ईयर एंड डेप्रिसिएशन लगी चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड चाहे मैटर फिर दोबारा से ये मेरा आ गया कैरिंग अमाउंट दोबारा डेप्रीसिएशन लगी दोबारा मेरा आ गया कैरिंग अमाउंट ऐसे करके मेरा एसेट चलता रहा अब हुआ ये कि इस पॉइंट पे आके इस डेट पे आके इस डेट पे मुझे पता चला ऑन दिस डेट i have valid proofs which confirm which confirms that the asset value is now Increased. के हुआ क्या इस डेट को मेरी बुक्स में तो कैरिंग अमाउंट ही आ रहा है मैंने एसेट इतने का परचेस किया था अगर मैं इसको फिगर ही बता दू सिंपल फिगर लेके चलते हैं लेट से टेन लाख का मैंने एसेट परचेज किया था एसेट को मान के चलो जैसे बिल्डिंग मैंने टेन लाख ,00 की बिल्डिंग परचेस की थी हर साल इस पे वन लाख ,00 की डेप्रीसिएशन लगे बिल्कुल हाइपोथिकेशन फिगर मैं लेके चल रहा हूँ नाइन लाख मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया देन दोबारा से वन लाख ,00 की डेप्रीसी लग गई तो इस डेट को एज पर माई बुक्स बिल्डिंग की वैल्यू थी एट लाख इस डेट को जो भी डेट थी एज पर माई बुक्स बिल्डिंग की वैल्यू थी एट लाख मुझे इस डेट को पता चला कि जब मैंने मार्केट सर्वे करा सब कुछ करा जैसे इंडिया में बोला जाता है स्टैंप ड्यूटी कि प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मतलब ये गवर्नमेंट की वैल्यू तो कोई भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वैल्यू से कम की तो बिक ही नहीं सकती अगर गवर्नमेंट कहती है प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इतनी है तो हमेशा वो प्रॉपर्टी इस प्राइस से हायर प्राइस पे ही बिकती है इससे कम पे सेल हो ही नहीं सकती क्यों अगर इससे कम पे भी कोई सेल करेगा तब भी जो टैक्सेस होते हैं वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे ही पे करने पड़ेंगे ये हमारा कुछ रूल्स है तो पॉइंट इज हमें पता चला कि ये जो बिल्डिंग है हम बुक्स में बिल्डिंग को लिख रहे हैं आठ लाख का लेकिन ये जो बिल्डिंग है इसकी जो करंट वैल्यूएशन है करंट वैल्यूएशन जो बिल्डिंग की हमारी हो गई है वो हो गई है फोर्टीन लाख ,00 मतलब फोर्टीन लाख ,00 इस एसेट की नई वैल्यू हो गई है और इसके लिए हमारे पास वैलिड प्रूफ है अब तुम्हारे को एग्जाम में कोई प्रूफ नहीं दिखाया जाएगा कि कोई प्रूफ थे तुम्हें सिर्फ बोला जाएगा बिल्डिंग इज टू लाख ऑन दिस डेट इस डेट को हमने बिल्डिंग को इतने पे रीवैल्यू कर लिया तो इस सिचुएशन में तुम्हारी बुक्स में एंट्री क्या होगी क्या ट्रीटमेंट होगा तो इसका मतलब क्या है अगर तुम्हारा एसेट की वैल्यू इतनी हो गई दैट मीन्स इस डे से फ्रॉम दिस डेट फ्रॉम दिस डेट एसिड विल बी कैरिड एड री वैल्यूड फिगर कि मेरा जो एसिड है उसको मैं रीवैल्यूड फिगर पे अपनी बुक्स में कैरी करूंगा मतलब आठ लाख मेरी वैल्यू थी लेकिन अब मैं अपनी बुक्स में बिल्डिंग की वैल्यू निकालूंगा फोर्टीन लाख फोर्टीन लाख से मैं अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा तो तुम कहोगे सर इन सब का फायदा क्या हुआ इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि रिवैल जिस डेट पे हुई है मेरी एसेट की वैल्यू आ गई फोर्टीन लाख तो तुम कहोगे सर ये करना जरूरी क्यों था इसका क्या पर्पज है इसका पर्पज ये है कि मुझे पता चला कि मेरी बुक्स में बिल्डिंग जो है जो बुक्स में बिल्डिंग है बुक वैल्यू जो है बिल्डिंग की दैट इज एट लाख और जो री फिगर है री फिगर जो आई है दैट इज फोर्टीन लाख तो एक तरह से अगर तुम अपनी बुक्स में कोई चीज एट लाख की लिख रहे हो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग वो चीज की वर्थ वैल्यू एट लाख है और आज की डेट में एक्चुअल वैल्यू फोर्टीन लाख है तो तुम्हारा फायदा होगा कि नुकसान फायदा क्योंकि रीवैल्यूएशन फायदा वेरी गुड तो यहां पे हमारा जो फायदा होगा इट विल बी फोर्टीन लाख माइनस एट लाख दिस सिक्स लाख लाख का हमारी बुक्स में फायदा हो रहा है इसको बोला जाता है सरप्लस इसको बोला जाता है रीवैल्युएशन स प्लस की यह तुम्हारा एक फायदा है ठीक है कि आठ लाख की चीज चौदह लाख की हो गई तुम्हारा सिक्स लाख का फायदा हो गया अब आगे जो भी डेप्रीसिएशन होगी यहां पे वी विल रिकल्कुलेट डेप्रीसिएशन ईच ईयर डेप्रिसिएशन वी विल रिकैलकुलेट डेप्रीसिएशन इस डेट पे और रिकैल्कुलेट करने के बाद हम दोबारा से अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी स्टार्ट कर देंगे जैसे तुम्हें इस डेट पे बोल दिया कि बिल्डिंग को हमने रीवैल्यू करा है और अब जो डेप्रीसिएशन है वो लगेगी टेन परसेंट ऑन कॉस्ट तो तुम क्या करोगे फोर्टीन लाख इंटू टेन परसेंट दैट मीन वन लाख फोर्टी थाउजेंड अब तुम्हारी नई डेप्रीसिएशन हो जाएगी और इस तरह से तुम्हारा ये जो एसेट है वो चलता रहेगा तो यहां से एग्जाम में एमसीक्यू में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना होगा तुमसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ आगे नई डेप्रीशिएशन हमारी कितनी होगी ठीक है अभी दो तीन चीजें मैं और बताऊंगा लेकिन इस तरह से चलता है हमारा रीवैल्यूएशन इसके मैंने नोट्स वगैरह तुम्हें प्रोवाइड किए हुए हैं जो एफ थ्री के नोट्स हैं वहां से तुम सारे फॉर्मेट्स वगैरह पढ़ सकते हो ये बहुत अच्छे से इस चीज को समझने के लिए टेक टू मिनट्स फाइव मिनट्स इसको अच्छे से पढ़ो इसमें कोई भी डाउट है मुझसे पूछो नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर मैं तुम्हें इनकी एंट्रीज कराता हूं और फिर इसका हम एक अच्छा खासा क्वेश्चन करेंगे जहां से तुम्हारे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी <laughs> हो गया गाइस चलो अब इसमें आगे क्या होगा गाइस देखो अब मैं तुम्हारे को कुछ चीजें यहाँ पे समझाता हूँ कि हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी और जर्नल एंट्री के बाद कुछ दो तीन चीजें दो तीन टर्म्स जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा तो ये है हमारी रीवैल्यूड फिगर और ये है हमारी न्यू डेप्रीसिएशन जो हमने इस पे कैलकुलेट की थी अभी मैंने सिर्फ रफ फिगर्स ली हुई है इट इज वन लाख फोर्टी थाउजेंड देखो अब पॉइंट क्या है यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी रिवेल्युएशन के लिए तो रिवेल्युएशन की जो हमारी जर्नल एंट्री होती है दैट इज पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ रिवेल्युएशन का सॉरी तो फॉर्मूला जो होता है रिवेल्युएशन का फॉर्मूला फॉर for रीवैल्यूएशन सरप्लस तो फॉर्मूला फॉर रीवैल्यूशन सर्प्लस इज रीवैल्यूड फिगर री फिगर माइनस कैरिंग अमाउंट ऑन दैट डेट जिस दिन हम एसेड को रिवैल्यू कर रहे हैं उस दिन उस एसेट का कैरिंग अमाउंट क्या है क्योंकि कई बार हो सकता है कि हम रिवैल्यू करें साल के बीच में तो जिस दिन हम रीवैल्यू कर रहे हैं हमें उस दिन तक का हमारा कैरिंग अमाउंट चाहिए तो रिवैल्यूड फिगर माइनस कैरिंग अमाउंट ऑन दैट जो भी तुम्हारा आंसर आएगा दैट इज फॉर्मूला फॉर रिवैल्यूशन सरप्लस अब तुम्हारी जो जर्नल एंट्री होगी डेबिट नॉन करंट एसिड जर्नल एंट्री विल बी डेबिट नॉन करंट एसिड डेबिट अक्यूमुलेटिड डेप्रिसिएशन क्रेडिट रीवैल्युएशन सरप्लस डेबिट नॉन करेंट एसेबिट अक्यूमोलेटिप्रीशन क्रेडिट रिवैल्यूशन सर प्लस तो रीवैल्यूशन सर प्लस हमारे यहाँ पे कितना आया था इट वॉज सिक्स लाख तो यहां पर मैं लिखूंगा सिक्स लाख ,00 जो भी मेरा रीवैल्यूशन सर प्लस आया है तो रीवैल्यूशन सरप्लस मेरा आ जाएगा सिक्स लाख जितनी टोटल डेप्रीसिएशन मैंने यहां पर डेबिट करी थी एक मैंने डेबिट करी थी यहाँ पे वन लाख एक और करी थी वन लाख तो टोटल टू लाख की डेप्रीशिएशन मैंने चार्ज की थी वो टू लाख मैं लिख दूंगा अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन के आगे और जो रिमेनिंग है बैलेंस आ जाएगा मेरा नॉन करंट एसेट के आगे विच इज फोर लाख बैलेंस आ जाएगा मेरा नॉन करंट एसेट के आगे विच इज फोर लाख इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि नॉन करंट एसेट के आगे की फिगर क्या आएगी इट इज रीवैल्यूड फिगर माइनस कॉस्ट रिवैल्यूड फिगर हमारी है माइनस कर देंगे तो थी 14 ,00 हमने कितने का किया था टेन लाख ,00 का वो डिफरेंस हमारा यहां आ जाएगा और एक्यूमुलेट डिप्रिशिएट में आ जाएगा बैलेंस तो किसी भी तरीके से तुम कर सकते हो रीवैल्यूशन सर उतना ही रहेगा सिक्स लाख का अक्यूमुलेटिडियशन जितनी आज तक चार्ज हुई है वो आ जाएगी और बाकी बचा हुआ नॉन करंट एसेट में क्रॉस चेक करना है तो नॉन करंट एसेट की फिगर आती है रीवैल्यूड फिगर माइनस ओरिजिनल कॉस्ट तो फोर लाख वुड बी नॉन करंट एसेट ये होगी हमारी रीवैल्यूएशन सरप्लस की जर्नल एंट्री इसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस अब रीवैल्यूएशन सरप्लस का ट्रीटमेंट क्या होता है इसका ट्रीटमेंट ये है कि रिवॉल्यूशन सरप्लस इज शोन एज अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम और ओसीआई इट इज रिकॉर्डेड और शोन एज अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम और ओसीआई इसको हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाते डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में ये हमारी इनकम नहीं होती डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में ये हमारी इनकम नहीं होती इफ आई आस्क यू क्यों इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम नहीं दिखाते बताओ क्योंकि पहले हमने उस प्राइस पर से परचेज भी नहीं किया था तो ऐड भी नहीं कर सकते

लेकिन हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम नहीं शो करेंगे क्यों देखो ये तो हमें पता है कि बिल्डिंग हमारी जो टेन लाख की थी जो नॉन लाख का का था वो आज 14 का हो कर हमारी बुक्स में दिख रहा था कि इस डेट को वो सिक्स लाख का, का, तो का हमारा प्रॉफिट तो है ही लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये हमें हमने रियलाइज नहीं करा है ये जो प्रॉफिट है कोई बिल्डिंग बेची नहीं है हमने तो जब बिल्डिंग बेची ही नहीं तो ये प्रॉफिट जो है इसको मैं कैसे मान लू कि मेरा मैंने पैसे कमा ली क्योंकि तो अगर मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम दिखा दूंगा तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट को मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये जो छह लाख है ये मेरी इनकम तो है ये मेरी इनकम तो है आई एम अग्री मेरी इनकम है लेकिन ये जो इनकम है ये मेरी रियलाइज इनकम नहीं है मैंने पैसे नहीं कमाए हैं इस इनकम पे इस बिल्डिंग पे ये तो सिर्फ वैल्यू बढ़ गई है बिल्डिंग की जब तक मैं इसको सेल नहीं करूंगा मैं तब तक पैसे नहीं कमाऊंगा तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए तो गवर्नमेंट ने बोला तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो इस जो भी तुम्हारा गेन होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम मत दिखाना उसको प्रॉफिट एंड लॉस में अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम दिखा देना कि ये वो इनकम है कॉम्प्रीहेंसिव इनकम जो हमारी रियलाइज नहीं हुई है इट इज अ अनरियलाइज इनकम ये पॉइंट क्लियर है सबको। यस yes, चलो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें छोटे छोटे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो इसी सिचुएशन में हमारी जो नई डेप्रीसिएशन लग रही है न्यू डेप्रीसिएशन वो कितनी है वन लाख फोर्टी थाउजेंडेप्रीसिएशन कहा जाती है हमारी गाइस

लेकिन ये जो तुम्हारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है ये जो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है इस बढ़ने की वजह से तुम एक्सेस डेप्रीशियन दिखा रहे हो उसको अपना एक्सपेंस दिखा रहे हो कि तुमने पहले तुम चार्ज करते थे लाख जो तुमने एक्चुअली किया था कैश पे किया था उसके अकॉर्डिंग तुम डेप्रीशिएशन दिखा रहे हो वन लाख जस्ट बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन तुम्हारी जो डिप्रिशिएशन है वो बढ़ गई तो क्यों हम तुम्हारे को एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी अलाउ करें बात सही है कि नहीं है ओल्ड अप्रिशिएशन जो हम चार्ज कर रहे थे दैट वाज वन लाख ओल्ड एप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे थे वन लाख बट जस्ट बिकॉज ऑफ री अब हम चार्ज कर रहे हैं वन लाख फोर्टी थाउजेंड तो हमारी यहां पे एक टर्म आएगी एक्सेस डेप्रिसिएशन

तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं ये जो तुम्हारा एक्सेस डेप्रिशिएशन तुमने ऑलरेडी एक्सपेंस दिखा दिया इतने का तुम रीवैल्यूएशन सरप्लस में से अमाउंट विद्रॉ करके अपनी इनकम दिखा दो कि तुमने अगर एक्सपेंस 140 दिखाया है तो 40 की तुम अपनी इनकम दिखा दो इसकी हमारी जो जर्नल एंट्री होती है दैट इज डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट चार्ज करी थी फोर्टी थाउजेंड की उससे तुम अपना सरप्लस जो तुमने बनाया था सिक्स लाख का वो कम कर दो और ये रिटेन अर्निंग यानी कि अपनी एक इनकम दिखा दो तो एक्सपेंस तुम दिखाओ वन का हमें कोई दिक्कत नहीं है 40 की अपनी इनकम दिखा दो तो नेट इफेक्ट तुम्हारा एक्सपेंस वन लाख का ही रह जाएगा जो हमें चाहिए तो ये होता है ट्रीटमेंट एक्सेस डेप्रिशिएशन का तो ये है पूरा हमारा रिवैल्युएशन का कॉन्सेप्ट तो एसेट को हम रिवैल्यू करते हैं रिवैल्युएशन जब भी होती है उस डेट पे हमें एक जर्नल एंट्री करनी होती है डेबिट नॉन करंट एसेट डेबिट एक्ट्रीशिएशन क्रेडिट रिवैल्यूशन सरप्लस रिवैल्यूशन सरप्लस निकालते कैसे हैं रिवैल्यूड फिगर ऑफ द एसेट माइनस कैरिंग अमाउंट ऑन दैट डेट जिस डेट को हमने उसको रिवैल्यू करा है तो उससे आ जाएगा हमारा रिवैल्यूशन सरप्लस ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं

और ये जो एक्सेस डेप्रिशिएशन है इसकी एंट्री हो जाएगी डेबिट सरप्लस क्रेडिट रिटेन अर्निंग तुम इस सरप्लस में से वो पैसे निकाल के अपनी एक इनकम दिखा रहे हो तो एक्सपेंस तुम्हारा इतना जाएगा इनकम तुम्हारी इतनी जाएगी ये जो चीजें तुम्हें बताई है गाइज ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इसमें से तुम देखो तो टेन फिफ्टीन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं ये पूछा जा सकता है एंट्री का इफेक्ट तुमसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ रिवैल्युएशन सरप्लस कितना बनेगा तुमसे ये पूछा जा सकता है कि नई डेप्रीशियेशन का एक्सपेंस कितना होगा तो नई डेप्रीशिएशन का एक्सपेंस तो इतना ही होगा तुमसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में नेट अमाउंट कितना आएगा तो नेट बैलेंस हमारा कितना होगा इतना हमने एक्सपेंस दिखाया था इतना हमारी इनकम हो गई थी तो नेट बैलेंस हमारा वन लाख रह जाएगा ये जो होता है रिवैल्यूशन सरप्लस ये तो वैसे ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम में जाता ही नहीं है तो उसको तो हम वैसे ही शो नहीं करेंगे इस तरह से तुम्हें इस चीज को समझना है आई एम गिविंग यू फाइव मिनट्स अच्छे से इसको पढ़ो अच्छे से एक एक चीज समझो फिर मैं तुम्हारे को इसका एक रैंडम क्वेश्चन यहाँ पे अपनी तरफ से बना के उसमें सारे ट्रीटमेंट्स कराऊंगा वो समझने के बाद फिर हम बुक के क्वेश्चन करेंगे आई एम गिविंग यू फाइव मिनट्स अभी फाइव ट्वेंटी फोर हुए फाइव थर्टी तक अच्छे से इसको देखो टेक टू मिनट्स फाइव मिनट्स अच्छे से पढ़ो एक एक वर्ड पढ़ो समझो कोई भी डाउट आएगा मुझसे पूछना देन वी विल मूव फर्दर हेलो सर यस सर शिवम इज वेटिंग इन द वेटिंग रूम अच्छा नहीं कर दिया मैंने उसको ऐड ओके हाय शिवम

सिमरन तान्या हो गया क्लियर यस सर यस सर चलो ठीक है अब मैं यहाँ पे एक बिल्कुल ही रैंडम क्वेश्चन उठाता हूँ एंड रैंडम क्वेश्चन उठा के यहाँ से लेट्स ट्राई समथिंग कि तुम्हारे को चीजें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई जैसे आ, uh, मैंने क्वेश्चन बनाया आई डू दी क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज ये नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा वैसे क्वेश्चन इज Building purchased Building purchased for two million on first Jan two thousand thirteen Depreciation. Per annum is five percent on cost. Building was revalued to two point two million on thirtieth September. 2016 इस डेट को हमने बिल्डिंग को रिवैल्यू किया था वॉट 2.2 तो मिलियन टू क्लोज ऑन एंड डेट इज थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च को हमारा इयर एंड होता है तो बिल्डिंग हमने परचेज की थी टू मिलियन की ऑन फर्स्ट जैन 2013 थाउजेंड पर आना इस पे लगती है फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट बिल्डिंग हमने इस डेट को रिवैल्यू करी और ईयर एंड आता है हमारा इस डेट को थर्टी मार्च एवरी ईयर अब ये पूरा क्वेश्चन मैं इसमें कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं बता रहा कि क्या हमें निकालना है हर चीज में इसमें तुम्हें निकाल के दिखा रहा हूं टिल थर्टी मार्च 2018 यहां तक की सारी चीजें मैं तुम्हारे को निकाल के दिखा रहा हूं क्या-क्या चीजें इसमें पूरे क्वेश्चन में आएंगी चलो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन सबसे पहले मैं रफ वर्क में मैं तुम्हें बताया था मैं अपना चार्ट बनाता हूं जिसमें आती है मेरी डेट पर्टिकुलर और आता है मेरा अमाउंट सो so, मैंने बिल्डिंग का परचेस की है फर्स्ट जन 13 को अभी सिर्फ सबने देखना है अपना प्री कंसीव्ड Notion हां या استانया तो इसमें नहीं मार्च है। क्यों अच्छा ठीक है ना तो हमने yes, इस डेट को परचेज किया फॉर टू मिलियन राइट कंप्लीट फिगर टू मिलियन परचेज किया इंडिया थर्टी फर्स्ट मार्च सो थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टीन को मेरी बुक्स में लगेगी डेप्रीसिएशन कितनी लगेगी डेप्रीशिएशन में निकाल देता हूँ पहले डेप्रीशियेशन पर एनम विल बी टू मिलियन इंटू फाइव परसेंट दैट इज वन लाख वन लाख है मेरी डेप्रिशिएशन पर ईयर ठीक है गाइस यस तो वन लाख इज डेप्रीसिएशन पर ईयर और एसिड जो है वो मैंने परचेस किया था फर्स्ट जनवरी को बुक्स हो रही थर्टी फर्स्ट मार्च तो जैन फेब, मार्च थ्री मंथन यहां पर so, so, अपना पहले साल जो मेरी डेप्रीशियन लगेगी दैट इज गोइंग टू बी ट्वेंटी उसके बाद एंड आएगा सॉरी सेम डेट पे मेरा आजगा कैरिंग अमाउंट इट विल बी टू मिलियन माइनस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इट इज वन नाइन सेवन फाइव ट्रिपल जीरो उसके बाद थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन को डेप्रीशिएशन लगेगी कितनी लगेगी डेप्रीशिएशन बताओगे सारे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और बताओ सिमरन तान्या सर वन लैक पूरी पूरी वन लाख की डेप्रीशन लगेगी यहाँ पे हमने एसेट को ये तो वो वाली बात आ गई ना हमने एसेट को यहाँ परचेज किया तो पहले साल थ्री मंथ्स की डेप्रीशन लगेगी उसके बाद तो पूरे साल की लगेगी ठीक है ना शिवम ये गलती कैसे कर सकते हो तुम सर मैंने वो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा था सॉरी ओके कोई बात नहीं ढंग से पढ़ा कर, पढ़, पढ़ना कोशिश करना आपकी बार तो ये हमारी डेप्रीसिएशन लगेगी वन लाख अगले साल ठीक है तो सेम डेट पे हमारा कैरिंग अमाउंट आ गया वन एट सेवन फाइव ट्रिपल जीरो हमें रिवैल्यूशन कब हुई है हमारी थर्टीएथ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन को इस डेट को रिवेल्यू है तो यहां तक पहुंचते हैं थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन तक दोबारा डेप्रीसिएशन लगेगी वन लाख तो सेम डेट पे कैरिंग अमाउंट मेरा आ जाएगा वन सेवन सेवन फाइव ट्रिपल जीरो फिर थर्टी फर्स्ट मार्च सिक्सटीन तक की डेप्रीशियन अगेन वन लाख और सेम डेट पे मेरा कैरिंग अमाउंट आ जाएगा वन सिक्स सेवन फाइव ट्रिपल जीरो अब उसके बाद मेरी बिल्डिंग रीवैल्यू हुई है थर्टीएथ सितंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन को तो मुझे इस डेट तक की डेप्रीशियशन देखनी है वी आर ऑलरेडी एट फर्स्ट मार्च तो थर्टीएथ सितंबर सिक्सटीन तक कितनी डेप्रीसिएशन लगेगी मेरी तो डेप्रीसिएशन पूरे साल की है वन लाख फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सिक्सटीन से थर्टीथ सेप्टेंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन कितने मंथ होते हैं गाइस बताओ सर फाइव मंथ अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर सिक्स मंथ्स तो सिक्स मंथ्स की मेरी डेपोजिशन लगी दैट मींस कैरिंग अमाउंट ऑन रीवैल्यूएशन डेट जो मेरा आया इट विल बी सिक्स वन सिक्स टू फाइव ट्रिपल जीरो पहले यहां तक सारे स्टूडेंट्स देखो जो मैंने करा है इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे प्लीज पूछो मैं यहां पे अब शॉर्ट में लिख रहा हूं दिस इज प्रोरेट प्रोरेट ये दोनों प्रोरेट होंगे यहां तक देखो इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछो क्लियर सर कान्या क्लियर सर ठीक है सो रिवैल्युएशन डेट पे हम पहुंच गए हैं और उस डेट को हमें पता चला है कि हमारी बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट है वो है इतना वन सिक्स टू फाइव ट्रिपल जीरो हमें बोला गया है कि इस डेट को हमने बिल्डिंग को रीवैल्यू कर दिया है टू टू पॉइंट टू मिलियन तो यहां पे आ जाएगी हमारी सेम डेट पे रीवैल्यूड फिगर इट इज टू पॉइंट टू मिलियन सो टू मिलियन का मतलब क्या होता है टू थ्री जीरो थ्री जीरो याद रखना फॉरन में फिगर्स थ्री जीरो थ्री जीरो में चलती है सो दिस इज टू मिलियन टू मिलियन इज ट्वेंटी लाख रुपीज तो टू पॉइंट टू मिलियन की मेरी एसेट की रीवैल हुई है तो कितना मेरा रीवैल हुआ है इट इज टू टू डबल जीरो ट्रिपल जीरो माइनस वन सिक्स टू फाइव ट्रिपल जीरो इट इज फाइव सेवन फाइव ट्रिपल जीरो जाएगा मेरा रीवैल्युएशन सरप्लस में ये क्लियर है गाइस yes, ये yes. आजगा मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस में फाइव सेवन फाइव डबल जीरो के एसेट की इतनी रिवैल्यू हुई अब यहां पे मैं एक चीज ऊपर लिखनी भूल गया था कि न्यू डेप्रीशिएशन इज लेट से टेन परसेंट नई डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पे जो लगेगी वो टेन परसेंट लगेगी ये होनी चाहिए हमारे पास इफ नथिंग इज मेंशन तो हम जो पुरानी वाली है वही मानते हैं

डेप्रीसिएशन कितनी लगेगी तो पहली बात डेप्रीसिएशन पर ईयर विल बी या न्यू डेप्रीसिएशन पर ईयर विल बी न्यू पर ईयर विल बी टू ट्वेंटी इंटू फाइव परसेंट तो टू पॉइंट टू मिलियन इंटू फाइव परसेंट दैट मींस वन लाख टेन थाउजेंड हमारी होगी नई डेप्रीसिएशन ये क्लियर है गाइस नई डेप्रिसिएशन यस yes, चलो नई डेप्रिसिएशन हमें पता चल गई इट इज वन लाख टेन थाउजेंड इसको मैं ऊपर लगा शिफ्ट कर रहा हूँ नई डेप्रिसिएशन है वन लाख टेन थाउजेंड मुझे बताओ यहाँ डेप्रिसिएशन कितनी आएगी हमारी लेट्स सी यू गिव्स मी द राइट आंसर इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए कैसे आई थर्टी को हमने एसेट को रिवैल्यू किया था थर्टी फर्स्ट मार्च को हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं तो सितंबर सिक्स टू मार्च हमारे सितंबर मतलब थर्टी सेक्टूबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च सिक्स मंथ होते हैं हमारे तो यहां से यहां तक सिक्स मंथस की हमारी डेप्रीसिएशन लगेगी पूरे साल की डेप्रीसिएशन है वन लाख टेन थाउजेंड तो सिक्स मंथ की होगी फिफ्टी फाइव थाउजेंड ये क्लियर है सबको? Yes, उसके पास इस पे हमारा कितना आ गया इट इज टू ट्वेंटी माइनस फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू वन फोर फाइव ट्रिपल जीरो अब उसके बाद हमें कब तक की फिगर कम, बुक्स कंप्लीट करनी है मार्च मार्च तो तो हम 17 तक पहुंच चुके हैं तो को कैलकुलेट so, की है पूरे साल की वो वन लाख टेन थाउजेंड हमारी डेप्रिसिएशन लग जाएगी और सेम डेट पे हमारा कैरिंग अमाउंट आ गया टू वन फोर फाइव ट्रिपल जीरो Time, अच्छे से को देखो। अच्छे से इस वर्किंग को देखो इस वर्किंग में किसी को कोई भी डाउट हो वो मुझसे पूछो हमने रिवैल्यूशन सरप्लस भी निकाल दिया और नई डेप्रिसिएशन भी हमने निकाल दिया बस यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ क्योंकि जब तुम वीडियो देखोगे वीडियो में तुम्हारे कोई क्लियर हो जाएगा इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रोरेट इसको भी हम प्रोराटा कर रहे हैं ना, मिस कर रहे हैं देखो अच्छे से कोई भी चीज मुझसे पूछने मुझसे पूछो फिर हम बढ़ते हैं आगे अभी तक मैंने बिल्कुल सेम चीज करी है जो हम पहले करते आए हैं बस एक नई चीज है एसेट को रीवैल्यू कर दिया जब रीवैल्यू करा तो मेरा एक रीवैल्यूएशन सरप्लस बन गया और नए रीवैल्यूड फिगर के ऊपर मेरी नई डेप्रिसिएशन लग गई और उसके अकॉर्डिंग नई डेप्रिसिएशन पे मैंने अपना क्वेश्चन किया देखो समझो कोई भी डाउट है मुझसे पूछ अंडरस्टूड सिमरन यस सर क्लियर है सिमरन दानिया शिवम यस सर सर अभी क्लियर नहीं हो रहा वीडियो देख के हो जाएगा बाद में नहीं ये तो सिंपल करे है हमने इसमें तो कुछ चेंज नहीं है वो सर वो तो समझ आ गया वर्किंग बाकी जो रिवैल्यूड फिगर वाला है वो अभी थोड़ा अच्छा चलो ठीक है तो ये था गाइस हमारा अभी तक की नॉर्मल वर्किंग अब एक यहां पे एडिशन और होनी है वो एडिशन क्या होनी है बहुत ध्यान से देखना इस डेट को जिस डेट को हमने एसेट को रिवैल्यू किया था उस दिन रिवैल्यूशन सरप्लस बना था हमारा इतना कब 30th सितंबर 2016 को हमारा बना था रीवैल्यूएशन सरप्लस अब इसके बाद हम अपनी डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज कर रहे हैं डे सिक्स की हमारी एक्चुअली होनी कितनी चाहिए थी हमने ऊपर ही निकाली तो थीशन तो हमारी कितनी हो गई इट इज फिफ्टी फाइव थाउजेंड जो अब हम हम चार्ज कर रहे हैं जबकि सिक्स मंथस की डेप्रीसिएशन बनती है फिफ्टी थाउजेंड तो फाइव थाउजेंड हमारी यहां पर हो गई एक्सेस डेप्रीशिएशन सेम वे इधर भी एक्सेस डेप्रीशियन हमारी कितनी आई वन लाख टेन थाउजेंड हम चार्ज कर रहे हैं जबकि पहले हम हमेशा चार्ज करते थे लाख तो यहां पे हमारी हो गई एक्सेस ये दो हो जाएंगी हमारी एक्सेस डेप्रीशिएशन तो ट्रीटमेंट क्या होगा यहां पे देखो रीवैल्यूएशन सरप्लस इस डेट को था हमारा फाइव सेवेंटी फाइव कब थर्टी को? कोई तुमसे पूछे कि बताओ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड को हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस कितना होगा अगर कोई तुमसे पूछता है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस कितना होगा तो तुम्हें मैंने अभी एक बात बताई थी जो भी हम एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में से निकाल के अपनी रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं सो दैट मींस रीवैल्यूएशन सरप्लस था 575 तो 575 575 इसमें से 5000 हमने जो है वो इनकम बना दी अपनी तो 570 रह गया मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस अगेन अगले साल मैंने एक्सेस डेप्रिसिएशन 10000 चार्ज की थी तो ये भी पैसा मैं कहां से निकालूंगा रीवैल्यूएशन सरप्लस में से तो अब मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो बैलेंस है सरप्लस का जो बैलेंस मेरा रह गया 570 10

जितनी भी हम एक्सेस डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हैं वो अमाउंट हम उसी टाइम रिवैल्यूशन सरप्लस में से हटा देंगे और रीवैल्युए सरप्लस का हमारा बैलेंस आ जाएगा जर्नल एंट्रीज क्या होंगी रीवैल्यूशन सरप्लस की मैं एंट्री नहीं कर रहा इसकी एंट्री क्या होगी एक्सेस डेप्रिशिएशन की इट विल बी डेबिट रीवैल्युएशन सरप्लस क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड ये हमारी एंट्री हो जाएगी और सेम एंट्री हमारी इसकी हो जाएगी वो हमारी फिगर हो जाएगी टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड रीवैल्यूशन सरप्लस जो है वो हमने जो री वैल्यूशन है वो हमने फाइव थाउजेंड और टेन थाउजेंड से कम कर दिया इसको देखो समझो कुछ भी मुझसे पूछना है मुझसे पूछो Uh, शिवम तुम मेरे से बात करना कल एक्चुअली मेरी क्लास ये वाली क्लास खत्म होने के बाद आई हैव अनदर क्लास ऑफ एफ टू वो मेरी uh, एक आर बात स्टार्ट होती है तो मेरे को बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है तो uh, तुम्हें uh, अगर छोटा सा टॉपिक है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना विल we'll टॉक अगर थोड़ा सा तुम्हें लगता है ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम इट्स बेटर दैट वी शुड टॉक टूमारो

तो जैसे आई विल कम बैक जो भी डाउट्स होंगे बोलेंगे फिर सीधा बुक के क्वेश्चंस और एक छोटा सा टॉपिक इसमें और है बस दैट इज सेल ऑफ रीवैल्यूड एसेट बहुत ही सिंपल है वो मैं यहीं पे तुम्हारे को आगे बता दूंगा सेल में क्या होता है और हमारा चैप्टर ये खत्म कुछ भी नहीं इसमें से बचेगा सेल तो मेरे को यहीं से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल चलो आई एम गिविंग ब्रेक आई विल जस्ट कम बैक यस यस क्लियर है, है सर, सर, गुड चलो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कि जब हम रीवैल्यूड एसेट को सेल करते हैं तो उस डेट पे क्या होगा तो वो मैं तुम्हारे को इसी एग्जांपल से समझा देता हूँ कि रीवैल्यूड एसेट को सेल करने पे क्या होता है बहुत इजी है अब लेट सेम एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ this asset was sold for let's say 2.1 million on 31st march 18 इस डेट को हमने carrying amount निकाला था यहां तक इस डेट को हमने इस एसेट को सेल कर दिया 2.1 मिलियन का तो हमारी बुक्स में क्या होगा दिस इज सेल ऑफ रीवैल्यूड एसेट रीवैल्यूड एसिड को जब हम सेल करेंगे तो यहां पे हमारी बुक्स में क्या चेंज आएगा कुछ नहीं चेंज आएगा वी विल कैलकुलेट वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इन सेम वे इन सेम वे लाइक बिफोर कि जैसे हम पहले करते थे बिल्कुल वैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ निकालेंगे उसका फॉर्मला क्या होता है मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का फॉर्मला क्या होता है अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ सेल तो यहां पे सेल वैल्यू हमारी है टू पॉइंट वन मिलियन माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ डेट ऑफ सेल मतलब इसी डेट को हमने सेल कर दिया 31 मार्च 2018 को उस डेट को हमारा कैरिंग अमाउंट है 203500 तो दैट इज 210000 203500 तो हमारा 65000 का हमारा आ रहा है प्रॉफिट ऑन सेल मुश्किल था इजी था प्रॉफिट ऑन सेल सही है था कुछ भी नहीं था इसमें प्रॉफिट और सेल में कि जिस दिन एसेट को हम सेल करते हैं रिवैल फिगर को एग्जैक्टली exactly जैसे हम पहले सेल करते थे वैसे ही सेल करेंगे वैसे ही अपना प्रॉफिट निकालेंगे कोई भी चेंज नहीं आएगा कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आने वाला अब फर्क क्या आता है छोटा सा फर्क क्या आएगा ये जो हमारा रिवैल्युएशन सरप्लस था अब ये जो एसेट है ये तो पूरा सेल हो चुका है ये जो एसेट है ये तो सेल हो चुका है तो इसका रीवैल्यूशन सरप्लस का हम क्या करेंगे हमने एक चीज क्या पढ़ी थी गवर्नमेंट ने क्या बोला था जो आपका रीवैल सरप्लस है अभी अभी आप उसको इनकम ना दिखाओ क्यों क्योंकि अभी आपने ये गेन को रियलाइज नहीं किया लेकिन अब तो हमने एसेट सेल कर दिया तो इस डेट को हम क्या करेंगे जितना भी हमारा रीवैल्युएशन सरप्लस का बैलेंस बचा होगा बैलेंस नॉट ये वाली फिगर जितना भी रीवैल्युएशन सरप्लस का बैलेंस बचा होगा सारा का सारा हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट रिटेन अर्निंग जो भी हमारा 560 बचा था 560 जो बचा था मतलब बैलेंस

तो अगर अब मैं तुमसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछू क्वेश्चन क्या पूछू मैं ही बताता हूँ चलो कि मुझे अगर कोई ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जाएगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन को प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जाएगा मुझसे अगर कोई ये पूछे तो मैं क्या उसको जवाब दूंगा तो मेरा जवाब होगा एक सेकेंड होगा इस मेरे आठ चीजें है हम्म प्रॉफिट एंड लॉस में जो मेरा बैलेंस जाएगा, चीजें जाएगी। सबसे पहला 31 मार्च 2018 को मेरी डेप्रीशन लगी थी, तो एक तो मेरी डेप्रीशन जाएगी, वन लाख टेन थाउजेंड की। एक्सपेंस। उसके बाद इस डेट को एक्सेस डेप्रीशन, ये मेरी इनकम थी, एक्सेस डेप्रीशन की तो एक्सेस डिप्रीशिएशन टेन थाउजेंड ये हो जाएगी मेरी इनकम प्लस मैंने इस डेट को जब एसेट को सेल किया मेरा प्रॉफिट कितना हुआ सिक्सटी फाइव थाउजेंड का तो प्रॉफिट ऑन सेल सिक्सटी फाइव थाउजेंड ये भी मेरी इनकम में होगा और रीवैल्यूएशन सरप्लस को पूरा का पूरा मैंने रिटेन अर्निंग यानी इनकम में ट्रांसफर कर दिया तो रीवैल ट्रांसफर पूरा पूरा फाइव सिक्सटी ये भी मेरी हो जाएगी इनकम के अब मुझे अपनी इसको इनकम दिखाना पड़ेगा क्योंकि एसेट को मैं सेल कर रहा हूं इस डेट को जिस दिन एसेट सेल होता है ये सारी फिगर्स मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी पहले तो पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन लगी देन एक्सेस उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल जो मेरा है और उसके बाद रीवैल्युएशन सरप्लस ट्रांसफर जो रिवैल मैंने बैलेंस ट्रांसफर किया है वो सारा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। दिस इज हाउ दिस इज हाउ आई विल ट्रीट माय रिवैल्युएशन एंड ट्रीट माय सेल ये क्लियर है सबको yes. अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसको डाइजेस्ट करने में इट टेक्स सम टाइम एक काम करते हैं लेट मी जस्ट शेयर दिस शीट विद यू मैं भूल जाऊंगा पहले फिर तो हम करते हैं बुक के क्वेश्चन अब चलो मुझे इसका आंसर दोगा इस क्या होगा लगता इसमें डेट्स नहीं है तो डेप्रिशिएशन ट्वेंटी थाउजेंड ही एज्यूम करेंगे क्या चीज इसमें डेट्स नहीं है तो डेप्रिशिएशन ट्वेंटी थाउजेंड ही होगा नहीं हमें इसमें कुछ अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है बिल्डिंग की हमारी कॉस्ट है वन लाख जिस पे अभी तक ट्वेंटी थाउजेंड डेप्रिशिएशन चार्ज हुई है हमने वन पे रिवैल्यू करा तो दैट मींस हमारा जो कैरिंग अमाउंट होगा

नॉन करंट एसेट में बिल्डिंग में कितना जाएगा इसकी कॉस्ट थी हमारी कितनी वन लाख अब बढ़ के होगी वन फिफ्टी तो फिफ्टी थाउजेंड आ जाएगा नॉन करंट एसेट में और ट्वेंटी थाउजेंड आ जाएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में दिस विल बी दी जर्नल एंट्री ये क्लियर है दोनों को यस yes, सर तान्या yes, Yes, अब देखो इसमें मैं तुम्हें एक चीज बताता बताया कि बिल्डिंग अकाउंट में इसका क्या इंपैक्ट होगा तो हमारा यहाँ था हमारा बिल्डिंग के ऊपर हमने कितना लिखा था इट वॉज फिफ्टी थाउजेंड ये ट्वेंटी था और ये था सेवेंटी तो बिल्डिंग हमारा यहाँ पे हम क्या करेंगे बिल्डिंग को हमारा नॉन करंट एसेट कितने से डेबिट हो रहा है फिफ्टी थाउजेंड से तो हम डेबिट साइड पे नॉन करंट एसेट के लिख देंगे रीवैल्यूएशन वैल्युएशन अमाउंट कितना आएगा हमारा फिफ्टी थाउजेंड तो ये फिफ्टी थाउजेंड हम बिल्डिंग अकाउंट में डाल देंगे और हमारा जो accumulated depreciation है उसका हमारा बैलेंस डाउन था उसमें भी हम डेबिट साइड पे डाल देंगे रिवैल्युएशन ट्वेंटी थाउजेंड हम जब अक्यूलेट एप्रिशिएशन में भी ट्वेंटी डाल देंगे और बिल्डिंग में भी डेबिट साइड पे फिफ्टी डालेंगे यहां बिल्डिंग में सेवेंटी क्यों नहीं आया क्योंकि टोटल रीवैलशन सेवेंटी की हुई थी जिसमें से फिफ्टी थी बिल्डिंग की और ट्वेंटी जो अभी तक डेप्रिसिएशन लगी थी वो माइनस कर दी तो जब कॉस्ट से मैंने कंपेयर किया कॉस्ट पहले थी वन लाख अब होगी वन फिफ्टी तो कॉस्ट में तो फिफ्टी थाउजेंड से वैल्यू इंक्रीज हुई है ना तो रीवैल्युएशन जो हमारा एसेट के अकाउंट में आएगा इट विल बी फिफ्टी ओनली अब बिल्डिंग की वैल्यू जो हमारी बैलेंस कैरी डाउन आएगी दैट विल बी वन फिफ्टी और जितनी टोटल डेप्रीसिएशन एसेट पे आज तक चार्ज हुई थी वो मैंने रिवर्स कर दी अब एसेट की जो है वो हो जीरो खत्म डेप्रिशिए क्लियर है गाइस दोनों को यस यस सर सर चलो अब नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी करके बताओ आंसर क्या होगा थाउजेंड डॉलर एक आंसर है धान्य तुम बताओ सर आई डों बिल्डिंग विद यूजफुल लाइफ ऑफ ट्वेंटी ईयर्स फॉर वन लाख वॉर्ड फाइव इको एक बिल्डिंग की कॉस्ट थी वन लाख लाइफ थी 20 इयर्स हमने पांच साल पहले परचेज की थी तो डेप्रीसिएशन पर ईयर विल बी वन लाख डिवाइड बाय 20 दैट मींस फाइव थाउजेंड है हमारी डेप्रीसिएशन पर ईयर हमने बिल्डिंग को पांच साल पहले परचेज किया था सो डेप्रीसिएशन फॉर फाइव इयर्स पांच साल की डेप्रीशन कितनी हो जाएगी फाइव थाउजेंड इंटू फाइव तो ट्वेंटी होगी इसकी पांच साल की डेप्रीसिएशन लाख ,00 ,00 की उसकी थी पांच साल तक की डेप्रिशन होगी रीवैल्यू किया है एंड देर इज नो चेंज इन रिमेनिंग लाइफ ऑफ रिमेनिंग लाइफ तो एक्चुअली में ये चीज निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है क्यों बिल्डिंग की लाइफ थी ट्वेंटी साल ऑलरेडी उसको यूज करके हो चुके हैं तो हमारी रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी फिफ्टीन ईयर्स रहेगी है है ना यस yes, सर ये क्लियर है, 15? Yes, sir. कैसे आया yes, yes, अब हमने एसेट को रिवैल्यू किया वन फिफ्टी का तो नई फिगर आ गई और बोला गया कि कोई रिमेनिंग लाइफ में चेंज नहीं है तो रिमेनिंग लाइफ फिफ्टीन ही है तो न्यू डेप्रिसिएशन विल बी बोला गया कि रिमेनिंग लाइफ में कोई चेंज नहीं आया टेन थाउजेंड विप्रीसिएशन चलो सो यह भी हमारा हो गया एक डेप्रिशिएशन रिविल और डिस्लोजर चलो डिस्कलोजर तो बाद में कर लेंगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है देखो अब इसमें हमारा एक टॉपिक जो और है छोटा सा दैट इज डेप्रीसिएशन रिविजिटेड विजिटेड मतलब चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन के डेप्रीसिएशन के मेथड में हमने चेंज करा है कुछ टाइम बाद तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक बिल्डिंग थी या एक मशीन थी मशीन हमने परचेज करी थी वन लाख ,00 की डेप्रिसिएशन बॉस टेन परसेंट स्टेटलाइन मेथड आफ्टर टू इयर्स डेप्रिशिएशन इज नाउ कैलक्युलेटेड एज फिफ्टीन परसेंट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अब इस सिचुएशन में क्या होगा बिल्कुल सिंपल simple है सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कुछ भी इसमें खास नहीं है हमने मशीन परचेस की थी वन लाख की डेप्रिसिएशन पहले साल की कितनी है टेन परसेंट यानी टेन थाउजेंड दो साल की कितनी होगी ट्वेंटी तो थाउजेंड हमारी डेप्रिशिएशन लग गई दो सालों की तो कैरिंग अमाउंट कितना आ गया के बाद तो ये जो कैरिंग अमाउंट हमारा है इसके ऊपर हम फिफ्टीन परसेंट डेप्रीशियन लगा देंगे तो एट्टी थाउजेंड इन टू फिफ्टीन परसेंट तो ट्वेल्व थाउजेंड विप्रीशियन तो हमारा इसके बाद बैलेंस आ जाएगा माइनस एटी थाउजेंड सिक्स थाउजेंड उसके बाद डेपनी टू डबल जीरो तो कुछ नहीं करना जब भी हमारा मेथड चेंज होता है तो जिस डेट को मेथड चेंज हुआ है जैसे हमने रीवैल्युएशन में करा था एक्सैक्टली exactly सेम जिस डेट को मेथड चेंज हुआ है उसके बाद डेशन कैलकुलेट करनी स्टार्ट कर दो पहले डब्ल्यू डी भी था बाद में स्ट्रेट लाइन हो गया तो इस वैल्यू को जो एटी थाउजेंड आया है उस पर टेन परसेंट स्ट्रेट लाइन निकाल दो ठीक है बिल्कुल मुश्किल नहीं है सिंपल जैसे हम चार्ट फॉलो करते हैं वैसा ही होगा बस जिस डेट को मेथड चेंज हुआ है उस डेट पे हम दोबारा से कैलकुलेट कर लेंगे किस फिगर पे इस कैरिंग अमाउंट पे जो नया कैरिंग अमाउंट है इसके बेस पे हम नए डेप्रिशिएशन चार्ज कर लेंगे तो यहां पे व्हाट आई कैन राइट आई कैन राइट इन केस ऑफ चेंज न्यू डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन दी कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ चेंज जिस डेट को हमने चेंज करा है उस डेट पे जो कैरिंग अमाउंट था उसके ऊपर हम दोबारा से अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे जैसे रीवैल्यूएशन में तो रीवैल्यूड फिगर के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे यहां पे इसी कैरिंग अमाउंट के ऊपर हम दोबारा से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे ये क्लियर है दोनों को यस yes, चलो इसके बाद हमारा ये वाला आंसर बताओ मुझे एक्टिविटी में ट्वेल्व का आंसर ट्राई करके बताओ जल्दी से

थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड थर्टीन को कितनी लगेगी तो वन वन इलेवन तो थर्टी दिसंबर इलेवन को हमारी डेप्रीशन लगेगी 31st December 12 को भी हमारी डेप्रीसी लगेगी सेवन थाउजेंड दैट मीन इस डेट को हमारा जो कैरिंग अमाउंट आया है तो फोर्टी थाउजेंड माइनस फोर्टीन फोर्टी माइनस फोर्टीन दैट मीनस

तो मैंने इस कैरिंग अमाउंट को नई कॉस्ट ली सो मैं यहां पे लिखूंगा न्यू डेप्रिसिएशन विल बी ये वाला कैरिंग अमाउंट 26000 माइनस न्यू रेसिडुअल वैल्यू 4000 डिवाइडेड बाय न्यू लाइफ दैट इज 4 इयर्स तो 26000 माइनस 4000 डिवाइड बाय 4 दैट मींस 5500 इज द डेप्रिसिएशन फिफ्टी फाइव हंड्रेड इज दी न्यू डेप्रीशिएशन जो हम यहाँ पे चार्ज करेंगे सर पर हमने यहाँ पर यूजफुल लाइफ रिवाइज कर दी ना फोर इयर्स पे हाँ तो डिवाइड बाय फोर कर दिया अच्छा ओके ठीक है ठीक है ठीक है सॉरी माय मिस्टेक यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट वाज रिवाइज्ड टू फोर इयर्स इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि एसेट की लाइफ पहले थी फाइव इयर्स अब हो गई फोर इयर्स इट इज यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी होती है अगर लिखा होता जो मैंने आंसर करा था ना ये ये जो आंसर है सही तब होता अगर यहां पे टोटल रिमेनिंग लाइफ लिखा होता फोर इयर्स तो मेरा आंसर बिल्कुल सही था लेकिन यहां पे रिमेनिंग ने लिखा टोटल यूजफुल लाइफ लिखा है मतलब पहले लाइफ थी फाइव अब रह गई फोर दैट मीन्स फोर में से दो साल तो ऑलरेडी एसेट को हो चुके हैं यूज करे हुए हमें बोला कि एसेट पहले लाइफ थी उसकी फाइव बट अब उसकी एक्चुअल वैल्यू फोर लाइफ ही थी तो फोर में से दो साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं तो बचे टू तो वुड बी वु न्यू डेशन जो हम चार्ज करेंगे तो पहली बात तो नए कैरिंग अमाउंट को अपनी हम नई कॉस्ट मान लेंगे सारी कैलकुलेशन हम इस कैरिंग अमाउंट पे जिस डेट को एसेट को चेंज हुआ है कोई भी मेथड वहां को यूज करेंगे अब जो भी चेंज हुआ है उसको हमें ध्यान से देखना है, है लेकिन जो टोटल यूजफुल लाइफ है तो यहाँ पे और में, देख लेना है तो मैं डिवाइड बाई फोर करता टोटल यूजफुल लाइफ लिखा हुआ मतलब पहले लाइफ थी फाइव अब बोला गया कि अब उसकी लाइफ फोर ईयर ही थी तो दो साल तो ऑलरेडी एसेट को यूज करके हो गए हैं बचे टू ईयर सो टू ईर्स वुड बी दी रिमेनिंग लाइफ है दोनों को? Yes, yes, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे मत करना इतना कुछ खास नहीं है इसको हम बाद में कर लेंगे ये तो बस ऐसे है कि बुक्स में हमें कैसे शो करना है इसको इसी कोई दिक्कत की बात नहीं इसको चाहो तो तुम एक बार प्लेन रीड कर लेना कुछ भी इसमें खास नहीं है सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके और हमारा चैप्टर होता है यहां पे खत्म अब तुम सब के लिए बहुत दो पार्ट में है तुम्हें दोनों पार्ट अपने सॉल्व करने हैं परसों जो हमारी क्लास होगी सबसे पहले मैं इसके डाउट्स लूंगा और डाउट्स गाइस आने चाहिए सॉल्यूशन से देख के कोई नहीं समझेगा खुद क्वेश्चन करो जब तक आंसर नहीं आता फाइट करो बिल्कुल ही जब तुम्हारे को आंसर निकल जाए कि मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर आ रहा है तब सॉल्यूशन से टैली करना कि आंसर तुम्हारा सही है कि गलत और फिर उसके बाद उसको अगर डाउट है तो डाउट पूछना मुझसे ये तुम्हारे को गाइस करना है ये चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट के लिए आगे आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है रीवैल्यूशन वाला जो तुमने शीट भेजी है एफ सेवन में एग्जैक्टली exactly यही चीज है बल्कि एफ सेवन में तो कहा जाता है कि बच्चों ने रिवैल्युएशन करा होगा उनको ये चीज पता होगी तो इसीलिए वो उसके आगे की चीज बताते हैं वो ये चीज बताते ही नहीं उनके जो क्वेश्चन है वहां तुम्हें सॉल्व करना होगा लेकिन तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा एफ सेवन में तुम एफ थ्री में ये चीज करी हुई है तो वहां कोई तुम्हें ये चीज नहीं समझाएगा मैं जब एफ सेवन की क्लासेस लेता हूँ वहां पे भी मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जिन्होंने एफ थ्री की एग्जामिशन ली है ये चीज तो तुम्हारे को करनी ही पड़ेगी वरना तुम आगे कर ही नहीं सकते सेवन क्योंकि एफ सेवन में इस चीज के बारे में बताया नहीं ठीक है ये चीज सबने करनी है कोई भी डाउट है मुझके पूछना आज की क्लास में किसी को कोई भी चीज मुझसे पूछनी है तान्या सिमरन एनीथिंग यू वांट टू सर no, तान्या वॉइस ब्रेक हो रही है एक बार प्लीज दोबारा बोलोगी तो जो जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन की वो वाली सीखनी है थोड़ा सा प्लीज जोर से बोलो मुझे जर्नल एंट्री सुनाई दिया बट कौन से टॉपिक की हेलो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था हाँ? बिल्डिंग परचेज वाला ट्वेंटी मिलियन वाला टू मिलियन वाला हाँ ये वाला क्वेश्चन रिवैल तो रिवैल्यूशन की एंट्री क्या होगी ओके इसकी जो रिवॉल्यूशन की एंट्री होगी हमारी एंट्री विल बी डेबिट एसिड डेबिट अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट रिवैल्युएशन सरप्लस

और बाकी जो बचा तुम्हारा थ्री सेवन फाइव ट्रिपल जीरो वो में। और यहां पे भी देखो ऐसा ही होगा फिफ्टी प्लस वन लाख वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री सेवन ठीक है इफ रिक्वायर्ड यू माइट नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन याद रखना हो सकता है वीडियो तुम्हें दोबारा देखनी पड़े ये मत सोचना वीडियो मैंने क्लास मैंने एक बार अटेंड कर ली लाइव क्लास तो मेरे को टॉपिक आ गया है सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड वॉच दिस वीडियो अगेन सारी चीजें क्वेश्चन दोबारा से करना इफ रिक्वायर्ड ये सेम क्वेश्चन एक बार खुद भी अपनी कॉपी में सॉल्व करना रफ में और देखना क्या तुम ये सब कुछ कर पा रहे हो ये बहुत जरूरी है इनफैक्ट आई वुड से करना जरूर ये सेम क्वेश्चन अपनी कॉपी में ओपन करना कॉपी में पूरा सॉल्व करना हर चीज जो मैंने बताई है सारी एंट्रीज रिवैल्यूशन सरप्लस का बैलेंस एक्सेस डेप्रिशिएशन ये सब कुछ देखना सब कुछ अपनी कॉपी में लिखना और देखना तुम्हें समझ आ रहे कि नहीं आ ये करने के बाद मूव टू दी एग्जाम किट एग्जाम किट में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे वो हम करेंगे ठीक है इस चलो सी यू ऑन वेन्सडे एंड और कोई डाउट तो नहीं है ताने सिमरन नो सर ठीक है सी यू ऑन वेन्सडे एंड हैव अ गुड टाइम ये जरूर कर लेना गाइस चलो बाय बाय सर थैंक यू बाय